नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। काफ़ी बच्चों की उत्सुकता थी कि सर जो ये वीडियो री एग्ज़ाम 18 तारीख को होने वाला है, तो ये वीडियो में जो पोस्ट हैं आपके उसका क्या कार्य होता है, वेतन कितना है, और ख़ासकर जब 42% DA हो चुका है तो अब आपको वेतन कितना मिलेगा, सैलरी आपकी कितनी होगी, इसका जॉब प्रोफाइल कैसा है, इसमें वर्किंग क्या है, कहाँ पर वर्क करना होता है, गाँव में करना होता है, क्या क्या काम करने होते हैं, इन सब बारे में मैं डिटेल आपको बताऊंगा एक एक करके जो जो पोस्ट है। तो जो बच्चे नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिन बच्चों को जिस भी पोस्ट के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर दें, सर मुझे इस पोस्ट के बारे में कुछ बता दीजिए कि कैसा होता है, मुझे इसकी तैयारी करनी है। कुछ बच्चे जो है अभी और वीडियो के नए पोस्ट आने वाले हैं उसके भी तैयारी के लिए, जो पहले 2018 में नहीं भर पाए थे किसी कारणवश, वो अब जो न्यू वीडियो की वैकेंसी आएगी उसके लिए भी उत्सुक हैं कि आखिर इसमें क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन कौन लोग इसको भर सकते हैं, वो सब मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। तो सबसे पहली बात होती है कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसमें अगर बात करें एलिजिबिलिटी में, तो आपका जो भी बंदा अगर 12th आपने पास किया है, उसके इक्विवेलेंट आपकी डिग्री है जो भी 12th के इक्विवेलेंट, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यही मांगता है, ठीक है। दूसरी बात, आपके पास एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो CCC सर्टिफिकेट है, या आप इसके इक्विवेलेंट, अब अगर नई वैकेंसी आती है तब पिछले जो 2018 का री एग्जाम होने वाला है उसमें कहीं ऐसा लिखा नहीं था, और हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया था वो 2018 में इस वैकेंसी के बाद आया था इक्विवेलेंट वाला, ठीक है। अब अगर कुछ भी होता है जहां CCC मांगा जाता है वहां पर उसके इक्विवेलेंट आपके हाईकोर्ट ने कई सारे डिग्रियों को इक्विवेलेंट किया है, अगर आप 10+2 में कोई कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़े हो, ग्रेजुएशन में कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़े हो, कोई डिप्लोमा की हो, तो CCC के इक्विवेलेंट होता है। तो CCC सर्टिफिकेट मैक्सिमम बच्चे कर ले जाते हैं, तो ये होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर आहर्ता में। एज लिमिट की अगर बात करें कि कितने साल के लोग इसको भर सकते हैं, तो भैया बहुत है समय, ठीक है, 18 से लेकर 40 साल के जो भी बंदे हैं वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, 18 से लेकर 40 साल तक के बच्चे इसको फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या कार्य होते हैं, जो आपके पोस्ट हैं, जो मेन दो पोस्ट होते हैं दोनों को वीडियो बोला जाता है, ठीक है। तो दो पोस्ट में जैसे वीडियो दोनों का नाम है, अब एक को बोला जाता है ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसको हम लोग पंचायत सचिव या सेक्रेटरी के नाम से जानते हैं। अब इनमें थोड़ा सा डिवीजन वर्ग का अलग अलग है, बाकी दो पोस्टें हैं दोनों को सेम, एक को ग्राम विकास अधिकारी, एक को ग्राम पंचायत अधिकारी। सैलरी ऑलरेडी सब सेम है, बस थोड़ा सा वर्किंग में डिफरेंसेस है, देख लेते हैं। जैसे इनका जो विभाग आता है, ये किस विभाग के अंतर्गत आते हैं, पोस्टिंग इनकी होती है, वो विभाग होता है इनका पंचायती राज विभाग। और इस विभाग का अगर जिला स्तर पर मैं कहूं कि कुछ उच्च अधिकारी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं DPRO, ठीक है, जिला पंचायत राज्य अधिकारी इसको बोला जाता है। ये आपका इस विभाग का सबसे ऊंचा वाला पद जो होता है वो DPRO होता है। अगर हम पूरा बहुत बात करें कि इसमें जो वीडियो वाला है, इस पूरे का जो पंचायती राज विभाग है, ये इसका उच्च अधिकारी DPRO होता है, लेकिन इन सभी का ग्राम पंचायत अधिकारी हुआ चाहे ग्राम विकास अधिकारी, इन सबका उच्च अधिकारी जो होता है वो BDO होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। इनकी जो पोस्टिंग होती है वो ध्यान रखिएगा ब्लॉक में होता है, और इन्हें ब्लॉक में पोस्टिंग होती है, ग्राम पंचायत मिलती है। अब वो ग्राम पंचायत डिपेंड करता है कितना मिले आपको, 1, 2, 5, 10 कुछ भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है, ग्राम पंचायत में आपको वर्किंग दी जाती है। वर्किंग क्या होती है कि भैया देखो, ये आपका एक ऑफिसर है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है ये, ठीक है, ये शासन का प्रतिनिधि है, और जो आपके प्रधान जी हैं, प्रधान जी के साथ मिलकर ये काम करते हैं। जहां जहां देखिए जो वीडियो होता है, जो भी काम आपको प्रधान जी को गांव में करना है, चाहे सड़क निर्माण करना हो, विद्यालय का निर्माण करना हो, ठीक है, किसी के आवास का निर्माण करना है, जो भी चीजें करनी है, नाली बनवानी है, साफ करानी है, पानी का प्रबंधन करना है, नलकूप लगवाना है, ये सब चीजों के लिए जो भी करना होगा, तो यहां पर वीडियो और प्रधान दोनों लोग करते हैं, इन दोनों की साइन लगती तब भी वो पैसा मिलता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि सैलरी से ज्यादा ही ये कहीं ना कहीं दोनों लोग को मिलजुल कर ये लोग अच्छा खासा
पैसा कमा लेते हैं, ये जान रखिएगा। ठीक है, तो वही कच्ची सड़क का निर्माण, जल निकासी प्रबंध करना, गांव की नाली का, आवास का, मनरेगा में जो मजदूर लगे हैं, जो कार्य हो रहा है, इन सभी का जो आवंटन होता है, जो कार्य होता है उसका देख रेख ये करते हैं, बताते हैं प्रधान को, और प्रधान जो है वो इस चीजों को गांव में कराते हैं। ये चीजें आ गई आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी की। अगर हम इसकी बात करें, अगला जो होता है ग्राम विकास अधिकारी, इसका जो विभाग होता है वो आपका ग्राम विकास विभाग होता है, और इसके विभाग का सबसे उच्च अधिकारी जो कहलाता है वो DDO कहलाता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा, जिला विकास अधिकारी कहलाता है। इसकी भी पोस्टिंग ब्लॉक पे होती है, इन्हें भी ग्राम पंचायत मिलती है, जैसे डिपेंड करता है कि कितने ग्राम पंचायत आपको मिल जाए, दो मिल सकता है, चार मिल सकता है, एक मिल सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, उसके वजह से वर्किंग इनकी थोड़ी सी रेफरेंस होती है, कृषि से रिलेटेड जो भी स्कीम्स आए हैं उन सबको, जो सब्सिडी मिल रहा है, जो बीज है, इन सब के बारे में बताते हैं ग्राम प्रधान के साथ मिलकर लोगों को। ठीक है, उसके बाद से सिंचाई योजनाएं हैं जो आपके लगवाए जाते हैं, जो सिंचाई करने के लिए, खेतों में सिंचाई करने के लिए जो बोरिंग कराई जाती है उसमें क्या सब्सिडी मिल रही है, उन सब चीजों के बारे में गवर्नमेंट की क्या योजना है सिंचाई को लेकर, वो सब चीजें आज जन तक पहुंचाते हैं, मतलब लोगों तक पहुंचाने के लिए ये प्रधान के साथ काम करते हैं। विधवा पेंशन है, ठीक है, विकलांग पेंशन है, इन सबको किसको किसको मिलना चाहिए, कौन कौन क्राइटेरिया में आ रहा है, इन सब की लिस्ट तैयार करना, इनको पेंशन जो है दिलवाना, ये सब काम प्रधान जी के साथ मिलकर ये करते हैं। जन कल्याण की जो योजनाएं होती हैं लोगों के लिए, जो आपके गवर्नमेंट की, यूपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जो योजनाएं हैं, ठीक है, एक तरह से लोगों के वेलफेयर के लिए, उन सभी को इम्प्लीमेंट कराना, कौन कौन उस योजना का लाभ ले सकता है, उनका एक विधिवत लिस्ट तैयार करना, ठीक है, ये सब काम होता है। समाज कल्याण के विभाग की जो योजनाएं होती है, तमाम प्रकार की जो योजनाएं चलती हैं सबके, इन सभी की योजनाओं को जन तक पहुंचाना इनका कार्य होता है, और ये जन तक किसके माध्यम से पहुंचाते हैं, ये प्रधान जी के माध्यम से पहुंचाते हैं, बस यही आपका कार्य होता है। दोनों के कार्य में आपने देख लिया कि क्या अलग अलग है। अब थोड़ा सा हम बात कर लें प्रमोशन के बारे में दोनों की। तो प्रमोशन आपका ऑलमोस्ट देखिए, इसका जो वीडियो होता है, जो आपका ग्राम पंचायत अधिकारी है, इसका जो अगला प्रमोशन होगा, इसको कहा जाता है ADO पंचायत बनेगा, इसके आगे जुड़ जाता है पंचायत, ADO पंचायत बनता है, ठीक है, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर बनता है पंचायत का, यहां पर भी ADO बनता है, मतलब ये ADO वैसे रहेगा लेकिन इसको हम लोग ADO पंचायत, आप सुने भी होंगे घर और में, गांव में बोला जाता है ADO पंचायत है ये, ठीक है। तो उसके बाद से इसके उच्च अधिकारी BDO होता है, कुछ लोग कहते हैं इसके बाद ज्वाइंट डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर बना जाता है, लेकिन यहां पर पहुंचने के, यहीं पर सब लोग खत्म हो जाते हैं, यहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं BDO तक, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तक आपका कोई पहुंच नहीं पाता है, 8 से 10 साल तो यहीं पर लग जाता है आपको, ठीक है, वो उसके बाद से आगे आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट तो होता है, ठीक है, लेकिन पोस्ट नहीं मिलती है, ये ध्यान रखिएगा, आपका वेतन वेतन सब करेगा, इंक्रीमेंट बढ़ेगा, पे स्केल उसकेल सब बढ़ जाएगा, लेकिन आपका पोस्ट यहां तक पहुंचने बहुत कम लोग पहुंचते हैं, जब बहुत रिसेंट ज्वाइन कर लोगे 18 साल में तब कहीं चांसेस हैं कि आप BDO तक पहुंच जाओगे, तो 10-15 साल यहां, 10-15 साल यहां लग जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर भी वही है, BDO है, फिर ADO है, फिर आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, तो ये आपकी पोस्टिंग से प्रमोशन सीक्वेंस होता है, ये ध्यान रखिएगा, आप BDO से ज्वाइन करोगे और आपके ऊपर ये है ADO, आपका ZDO भी बोला जाता है कि एक होता है पोस्ट, उस पर भी आप जा सकते हो ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफिसर। अब आते हैं हम लोग सैलरी पर बात करते हैं, सैलरी आपकी दोनों की सेम है, ग्रेड पे और पे स्केल आपका सेम है, जैसे अगर पे स्केल की बात किया जाए तो ये 5200 से लेकर 20200 तक पे स्केल है, ग्रेड पे 2000 की ये नौकरी है, ग्रेड पे की बेसिक सैलरी जो आपकी बनेगी वो 21700 Level 3 की ये क्या है पेमेंट है, ठीक है, 2000 में Level 3 का पेमेंट है, जो 21700 आपका क्या है बेसिक है सैलरी है, इस पे आपका पहले बेसिक आपका जो DA था वो 38% था, अभी 4% हाई करके 42% DA हो गया, मतलब 21700 का अगर 42% आप निकालोगे तो 9114 रुपया हुआ ये। उसके बाद से आपको हाउस HRA मिलता है, तो HRA आपको गांव के साइड में ही रहना, तो बहुत ज्यादा आपको मिलेगा भी नहीं, तो एक न्यूनतम आपको मैं जोड़ के बताऊं 800 रुपया तो मिलेगा, कुछ और अलाउंसेस 1000 रुपया लमसम आप मान लो आपको मिलेगा, तो ओवरऑल आपको 32000 तक की आपकी सैलरी बनेगी। अब इसमें आपका NPS डिडक्ट हो जाएगा जो बेसिक का 10% होता है, ठीक है, 25-2600 आपका लमसम ये आपका NPS डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वही आपका ऑन हैंड
और भी थोड़ा सा डिडक्शन होगा थोड़ा मोड़ा, तो वो ऑलमोस्ट आपका 29 से 30 हजार का इन हैंड सैलरी आपको मिलेगा। अभी नया जो आपका एक तरह से बोला जाए डीए हुए सब कुछ लगा लिया जाए तो अगर कोई ज्वाइनिंग होगा तो हो सकता है आपका जब तक वीडियो री एग्जाम हो आपकी ज्वाइनिंग हो डीए और बढ़ जाए, ठीक है डीए और बढ़ जाए तो अच्छा खासा सैलरी भी आप देख रहे हो। आज सैलरी से कुछ नहीं, बाकी जितना भी पेंशन बनवाओगे, आवास दोगे, ठीक है उसके बाद से जो लैटरिंग योजना आई है उन सबका, जितनी भी योजनाएं हैं, सड़क बन रही है, मनरेगा में जो वर्क कर रहे हैं इनमें भी तो भाई प्रधान जी के साथ आपका रहता ही है 70-30 जो भी रेशियो चलता हो, ठीक। उसके बाद से हम लोग आ जाते हैं सैलरी, आप लोग देख लिया कि सैलरी आपका ऑलमोस्ट यहां पे 29 से 30 हजार की आपकी सैलरी बनेगी, बाकी ऊपर से आप जितना ले लो उसमें कोई रोक झोक नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, ठीक। तो ये आपका पूरा का पूरा मैंने जॉब प्रोफाइल बता दिया कि आप ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी, सिर्फ नाम में अंतर है, थोड़ा मोड़ा आपका काम में अंतर है, बाकी प्रमोशन आपका सेम है, आपकी सैलरी सेम है, सब कुछ सेम है। और बहुत अच्छा चांस है आपके पास जो ये वीडियो री एग्जाम फिर से आपका कंडक्ट कराया जा रहा है और जून में होने वाला है, इसके लिए टीम परीक्षा प्लस एक विधिवत आपका कोर्स लेकर आ रही है जो टेलीग्राम कोर्स है, ठीक है। आप सभी लोग टेलीग्राम से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको प्रॉपर वीडियो क्लासेस और उस क्लास के नोट्स भी आपको प्रॉपर दिए जाएंगे, तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जरूर जुड़ जाएं। और ऐसे ही मैं आपके सामने इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूंगा। आपको भी अगर किसी भी जॉब प्रोफाइल के बारे में जानने की जागरूकता है तो आप जरूर इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करिए कि सर मुझे इस जॉब के बारे में बता दीजिए, मैं इसकी तैयारी करना चाहता हूं, मुझे चाहते हैं मैं इस जॉब को पाना चाहता हूं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस जॉब के डिटेल बारे में मैं आपको सामने रख सकूं। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।